हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं दोबारा आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड बेसिकली एक सेफ्टी कैटेगरी, एक सेफ्टी स्टाफ है जो रेलवे के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक ट्रेन के सबसे पिछले कोच में जो एक व्यक्ति होता है वो अपने एक ड्रेस में, व्हाइट ड्रेस में होता है, उसके पास वॉकी टॉकी होता है और जब वो ट्रेन का संचालन करना होता है तो सिग्नल भी देता है, ट्रेन की सेफ्टी को देखता है और उस ट्रेन के ब्रेक्स को भी, ब्रेक वैंस जो होते हैं उसको ध्यान रखता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक रनिंग स्टाफ है, बहुत ही सम्मानजनक जॉब है और इसकी रनिंग स्टाफ होने की वजह से इनके भत्ते और वेतन काफी अच्छे हैं और ये लेवल 5 में आता है। इसमें अभी बताऊंगा मैं कि कैसे इसमें भर्ती होती है। रेलवे के बाहर जब आप ओपन कैंडिडेट के रूप में आते हैं RRB के द्वारा, तो कैसे भर्ती होती है, जब आप रेल में किसी भी लेवल में, मान लीजिए आप ग्रुप डी में भी आ गए, तो कैसे आप प्रमोट हो सकते हैं गुड्स गार्ड के लिए। ठीक है, तो मैं अब शुरू करते हैं, बताते हैं कि कैसे इसमें RRB के थ्रू आते हैं। तो सबसे पहले RRB के थ्रू जो ये गुड्स गार्ड होते हैं 2800 ग्रेड पे में होते हैं, जिनका लेवल 5 होता है। जो बेसिक उनकी आजकल होती है वो 2920 होती है, बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा जो अलाउंसेस है वो अलग से होंगे। इसके लिए मेडिकल फिटनेस A2 होता है और चाहे वो आप डिपार्टमेंटल आ रहे हो तब भी मेडिकल फिटनेस A2 होगा या आप RRB के थ्रू आ रहे हो तब भी आपका मेडिकल फिटनेस A2 ही होगा। इसमें क्या होना चाहिए, अगर आप RRB से पहले, मैं ओपन कैंडिडेट के लिए बताता हूं, जो लोग मार्केट में अभी नए हैं और आना चाहते हैं वो, यह NTPC कैटेगरी के तहत आता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत जो RRB इसका एग्जाम कराती है। RRB जब एग्जाम कराती है तो उसके लिए आप देखे होंगे कि CN जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस होता है उसके थ्रू आपको पता चलता है और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप भरते हैं, तो उसमें बेसिक जो क्वालिफिकेशन होती है गुड्स गार्ड के लिए वो ग्रेजुएट होना होता है। क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना होता है, आपकी एज 18 से 33 के बीच होने चाहिए और आपकी मेडिकल फिटनेस A2 होनी चाहिए। अगर आप ये तीन चीज फुलफिल करते हैं तो आप गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल है। वैसे आप जो नोटिफिकेशन निकलता है उसका ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन में जो जानकारी मांगी गई है, उसके जो नॉर्म्स दिए गए हैं, उसमें जो टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं वो फुलफिल करना चाहिए। तो ये वैरी कर सकता है, सरकार के नाम के नियम कानून एस के बारे में बदलते रहते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो NTPC के बारे में बताऊंगा मैं पहले कि NTPC कैटेगरी के तहत आता है। इसमें होता क्या है, ये 25%, मान लीजिए कि अगर 100 सीट किसी भी गुड्स गार्ड का है तो उसमें से सिर्फ 25 सीट बाहर ओपन के लिए है, बाकी जो इसके 75% है वो डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं। तो भी बहुत बड़ी चीज है कि डिपार्टमेंट के अंदर भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इवन ग्रुप डी में भी आ गए हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर वो ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट में हैं। तो हम पहले इसकी चर्चा करेंगे जो हमारा RRB के थ्रू जो लोग आते हैं उनके लिए। तो RRB के थ्रू जो आते हैं, मैंने बता दिया ग्रेजुएट होना चाहिए, एज ये होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस ये होनी चाहिए, तीन चीजें मैंने बता दी। इसके लिए आपको जब आप करेंगे तो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट Stage 1 एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट Stage 2 और इन दोनों के बाद आपके मेडिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको पैनल बनेगा और पर्टिकुलर RRB आपको उस जोन को अलॉट करेगा, जोन उस डिवीजन को अलॉट कर देगा जिस डिवीजन में आपकी च्वाइस होगी। तो चलिए CBT के बारे में देखते हैं। CBT 1 जो होता है ये केवल स्क्रीनिंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, नंबर इज नॉट एडेड, आपके मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है। CBT 2 जो होता है, जो बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है, तो इसमें आपका CBT 1 में आपको जैसा कि मालूम होगा 40 जनरल स्टडी के होते हैं, 30 मैथ्स के होते हैं और 30 आपके जनरल इंटेलिजेंस के होते हैं, इतने नंबर्स के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो CBT के लिए आपकी एग्जामिनेशन होगी। इसमें 90 मिनट का समय होता है, इसमें भी 90 मिनट का समय होता है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं और जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन होते हैं। तो सब मिलाकर आपके जो हो गए 120 क्वेश्चन आपके हो गए 90 मिनट में। तो आपकी यहाँ पे स्पीड की भी टेस्ट हो जाती है और मेरिट की भी टेस्ट हो जाती है। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये आप गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और फिर आप किसी भी जोन में जहां आपको नियुक्ति दी जाएगी डिविजन्स में, वहां पे आप फिर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे JRTI में और ट्रेनिंग के बाद आप रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया जब आप RRB से आते हैं उसके बारे में। तो मैंने अभी आपको बता दिया RRB से कैसे लोग आते हैं, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे डिपार्टमेंटल लोग इसमें गुड्स गार्ड के लिए आते हैं। तो गुड्स गार्ड में जो प्रमोटिंग कोटा है 60%, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। 60% जो प्रमोटिंग कोटा है, यह
जोन टू जोन वैरी करता है, क्योंकि इसमें जोनल मैनेजर को पावर दिया गया है कि इसमें जो कैटेगरीज हैं ट्रैफिक और कमर्शियल की, उनके परसेंटेज को डिसाइड करे। तो जनरली दोनों यूनियन के जो जोनल हेड होते हैं उनसे बात करके और जनरल मैनेजर एक बार उनसे चर्चा करके फिर इस पे एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता है। तो हर जोन में जनरली देखा यह गया है कि जो सबसे अधिक फीडर कैटेगरी होते हैं वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, उसके बाद कमर्शियल डिपार्टमेंट के होते हैं। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जो परसेंटेज है वो डिफाइन है, जैसे पॉइंट्समैन का सबसे अधिक परसेंट है, मोर देन 30% है, बाकी का 20%, 10%, 12%, और टीटी और कमर्शियल क्लर्क काफी कम लोग आते हैं तो इनका परसेंटेज काफी कम होता है। तो ये परसेंटेज हर जोन में अलग अलग डिफाइन होता है। तो पहले चढ़ते हैं कि 60% कोटे में क्या होना चाहिए। तो एक सिलेक्शन पोस्ट है सबसे पहले, तो सिलेक्शन पोस्ट का मतलब है कि जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। और सेफ्टी कैटेगरी में हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सेफ्टी कैटेगरी का कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें 60% नंबर लाना जरूरी होता है। अगर उससे कम नंबर लाए तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन देखना होगा, जब भी पीक्यू की परमोटी कोटे की वैकेंसी आती है तो आपको ध्यान ये रखना है कि एज ए कैंडिडेट आपको, अगर आप पॉइंट्समैन हैं, ट्रेंस क्लर्क हैं, केबिन मैन है, लीवर मैन है, स्विच मैन है, संटिंग स्टाफ है, संटिंग जमादार 2018 में जब शुरू किए गए, पहले ये नहीं थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड जो पॉलिसी जारी करती है वो क्या जारी करती है और कौन से कैटेगरी को इन कर रही है। तो ये 2018 में शामिल किया गया, इसमें संटिंग जमादार और जमादार को भी शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ट्रैफिक के सारे लोग और कमर्शियल क्लर्क और टीटी जैसे लोग भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं और ये अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इनका रिटेन टेस्ट होता है, रिटेन टेस्ट में जो नंबर्स आते हैं उसके आधार पे और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पे, एपीआर के आधार पे इनका मेरिट बनाया जाता है और उस मेरिट के आधार पे फिर इनकी पैनल्स प्लेस किए जाते हैं और पैनल के आधार पे इनका पैनल निकलने के बाद फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और फिर गुड्स गार्ड बन जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि डिपार्टमेंट में आने पे कैसे गुड्स गार्ड बनते हैं। ये तो 60% का कोटा हो गया। इसके अलावा परमोटी कोटे के बाद एक एलडीसी कोटा भी होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक वीडियो एक्सक्लूसिवली जब बनाई थी जिसमें जीडीसी और एलडीसी के बारे में बताई गई थी, उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वाले पोर्शन के जो 15% के लिए होता है। ये दोनों ही डिपार्टमेंट जो होते हैं डिपार्टमेंटल सिलेक्शन से आते हैं इसमें, और डिपार्टमेंटल से जो आता है तो जनरली कमर्शियल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लोग ही इसमें अप्लाई कर पाते हैं। उसके लिए बेसिक चीजें ये है कि आपके जो 3 ईयर सर्विस होनी चाहिए 1800 से 2400 ग्रेड पे में होना चाहिए, और फिर जो एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन में आप पास करते हैं तो फिर आप एलडीसी कोटे के तहत इसमें आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि गुड्स गार्ड में कैसे इनटेक होता है आरआरबी के द्वारा, कैसे गुड्स गार्ड में 60% इनटेक प्रमोटी कोटे के द्वारा होता है और कैसे एलडीसी कोटे के द्वारा आपका इनटेक होता है। अब हम बताएंगे कि इसमें प्रमोशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं गुड्स गार्ड में, गुड्स गार्ड के बाद आप बनते हैं सीनियर गुड्स गार्ड, उसके बाद आप पैसेंजर गार्ड्स बनते हैं, फिर सीनियर पैसेंजर गार्ड बनते हैं, और उसके बाद पुनः आप मेल और एक्सप्रेस जो कि हाईएस्ट है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। इसमें आपको इंक्रीमेंट्स मिलते रहते हैं और प्रमोशंस होते हैं, स्टेटस प्रमोशन भी मिलता रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया गार्ड के बारे में, बहुत ही सम्मानजनक जॉब है, इसमें अच्छे खासे सैलरीज बनती हैं, आपको किलोमीटर अलाउंस मिलता है, एएलके भी मिलता है, रनिंग अलाउंसेस मिलते हैं, और इसके अलावा जो फैसिलिटीज हैं रनिंग स्टाफ की वो सारे आपको प्रदान की जाती है। वैसे इसकी ड्यूटी काफी टफ भी है बीइंग ए सेफ्टी कैटेगरी, क्योंकि आपको कभी कभी 10-12 घंटे एक साथ ड्यूटी 15 घंटे भी करनी पड़ जाती है, बट जनरली 6 से 8 घंटे की ड्यूटी इनकी होती है। इनके जो लिंक्स बने होते हैं वहां पे गार्ड बदलते रहते हैं ट्रेन में, और इनकी बेसिक जो ड्यूटी होती है काफी अच्छी होती है। धन्यवाद।